उस्मानी टीवी ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको परवेज़ मुशर्रफ़ के एक ऐसे कारनामे के मुतालिक बताएंगे कि जिसकी वजह से आज भी इन्हें सराहा जाता है। दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ़ इन खुशकिस्मत मुसलमानों में से हैं जिन्हें खाना काबा की हिफाजत का शर्फ़ हासिल हुआ। दोस्तों, ये वाक़िया शुरू होता है 1979 ईस्वी में, जब खाना काबा पर कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश की गई। दोस्तों, ये दिन था 20 नवंबर 1979 ईस्वी बरोज़ मंगल का, और इस्लामी साल का पहला महीना यकम महर्रमुल हराम 1400 हिजरी था। इस दिन सुबह के वक़्त फजर की नमाज अदा की जा रही थी और इमाम साहब ने अभी सलाम फेरा ही था कि कुछ हमला आवरों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और लाउड स्पीकर अपने कब्ज़ा में ले लिया। इस वक्त हरम शरीफ में हज़ारों नमाजी मौजूद थे। हरम शरीफ के इन हमला आवरों का सरदार 27 साल नौजवान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी था, जिसने 4 साल मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तलीम हासिल की थी, और इसने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि वह इस साल का इमाम महदी है और सब लोग मेरे हाथ पर बैत करें। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी 500 साथियों समेत खाना काबा में दाखिल हुआ और हरम पाक में दाखिल होने पर तमाम दरवाज़े बंद कर दिए। इस गुमराह कुन टोले ने मकाम इब्राहिम पर जाकर असलहे के ज़ोर पर लोगों से बैत करवाना शुरू कर दी। इस गुमराह कुन टोले को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने अपनी फ़ौज भेजी, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुई और सऊदी कमांडोज हरम पाक में दाखिल तक ना हो सके। और दोस्तों, यह खबर जंगल में आग की तरह फैली कि खाना काबा पर हमला आवरों ने कब्ज़ा कर लिया है। इस वक्त खाना काबा को नुकसान पहुंचाए बगैर दहशत गर्दों का खात्मा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सऊदी फ़ौज इतनी पेशा वाराना महारत नहीं रखती थी। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रांस के साथ दफाई माहदा भी था, लेकिन फ्रांसीसी कमांडोज गैर मुस्लिम होने की वजह से खाना काबा में दाखिल नहीं हो सकते थे। तो फिर सऊदी फरमारवा शाह खालिद ने पाकिस्तान से मदद तलब की और कहा कि पाक फ़ौज बैतुल्ला का दिफा करे। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जनरल ज़िया की हुकूमत थी और पाक फ़ौज तो बैतुल्ला की हिफाजत के लिए तैयार बैठी थी। तो फिर SSG के कमांडोज पर मुश्तमिल एक दस्ता तरतीब दिया गया। इस कमांडो के दस्ते की कमांड एक मेजर के हवाले की गई, जिसका नाम मेजर परवेज़ मुशर्रफ़ था। जब पाकिस्तान का दस्ता हरम पाक पहुंचा तो दहशत गर्दों के कब्ज़े को एक हफ़्ता गुजर चुका था, और पाक फ़ौज के कमांडोज़ की एक खासियत ये भी है कि ये अपने दुश्मन पर इतनी तेज़ी से हमला आवर होते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि बात खाना काबा की हुरमत की थी। मेजर परवेज़ मुशर्रफ़ की क़्यादत पर मौजूद इस दस्ते ने कैमरों की मदद से हरम पाक का जायज़ा लिया, और फिर परवेज़ मुशर्रफ़ ने अपने तेज़ दिमाग से एक प्लान मुरत्तिब किया और सऊदी हुकूमत को यह हुक्म दिया कि खाना काबा में पानी छोड़ दिया जाए और कमांडोज़ को खाना काबा की छत पर उतरने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त मिलने पर SSG के कमांडोज़ को छत पर उतारने का अमल जारी हो गया, और दूसरी तरफ सहन में मौजूद पानी में बिजली छोड़ दी गई। मेजर जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के इस मनसूबे की वजह से दहशत गर्दों के टॉप शूटर्स गैरफ़ाल हो गए, और SSG के कमांडोज ने इन दहशत गर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ दहशत गर्द मारे गए और कुछ जर्गमाल बना लिए गए, और इन दहशत गर्दों का सालार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी भी SSG के कमांडोज की गोली का निशाना बन गया। मेजर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जहानत की वजह से और कमांडोज की दलेरी की वजह से कम नुकसान हुआ और हरम पाक को आज़ाद करा लिया गया। यही वजह है कि आज भी सऊदी हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ़ को इज़्ज़त देती है और इनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा भी खोला जाता है। दोस्तों, ये था परवेज़ मुशर्रफ़ का एक ऐसा कारनामा जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।